never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. नमस्कार दोस्तों, गाड़ी जोन में आपका स्वागत है और आज हम लेके आए इंडिया का मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जिसका नाम है ओला S1 Pro। इसका आज हम करने वाले हैं फुल रिव्यू, साथ ही बताएंगे कि इसे लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये बहुत जोर इंडियन मार्केट में बिक रहा है। ओला इसका डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इतना ज़्यादा डिमांड हो गया इसका, क्योंकि एक सक्सेस प्रोडक्ट है। पहला ही प्रोडक्ट निकाला ओला और ये इतना सक्सेस हो गया। दो मॉडल निकाला है, S1 और एक S1 Pro। S1 को अभी तक बंद कर दिया गया है प्रोडक्शन, S1 Pro ही आपको मिल रहा है सिर्फ। और आज हम करने वाले हैं फुल रिव्यू, इसमें क्या क्या फीचर्स है, कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, क्या प्राइस, सब कुछ ओवरऑल, और कैसे आप इसको बुक करा सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बात करेंगे। और आइए स्टार्ट कर दिए वीडियो, उससे पहले सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, करके देखिए सब्सक्राइब, हमेशा की तरह मज़ा आ जाएगा बहुत। ओला S1 Pro में आपको दो मॉडल्स देखने को मिलता है, एक आता है S1 Pro जो आप ये देख रहे हैं और एक आता है S1। S1 का इतना ज़्यादा डिमांड हो गया कि S1 मॉडल को बंद कर दिया गया है, अभी S1 Pro ही सबको पकड़ा दे रहा है और अभी यही बिक रहा है। ऑल दो आपको 8-9 महीना बाद गाड़ी मिल रहा है, पहले आपको 500 रुपीज़ दे के बुकिंग करना पड़ता है, उसके बाद आपको आपका डेट आता है, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ता है फर्दर अमाउंट 20,000-30,000, उसके बाद आपको इसमें इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। खैर वो सब की बात करते हैं बाद में। अब इसका बैटरी का बात कर लेते हैं, तो ये आपको 3.97 किलोवाट का बैटरी मिल जाएगा, 6 आवर लगेगा इसको फुल चार्ज होने में। रेंज जो है इसका ये है 181 किलोमीटर, जो बहुत ही अच्छा रेंज देता है, और टॉप स्पीड इसका है 115, आराम से 115 किलोमीटर का स्पीड में चल जाएगा। और साथ ही इसका जो स्पोर्ट्स मोड है वो एक ज़बरदस्त है, और हाइपर मोड का बात तो अलग ही है। तो स्पोर्ट्स मोड लगाने के बाद गाड़ी का चाली कुछ और हो जाता है, और नॉर्मल मोड जो है उसमें आपको ठीक ठाक डिस्टेंस कवर मिलता है। और एक चीज़ हम बता रहे हैं, ट्रस्ट मी, इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको इसका जैसा चाल कोई और नहीं दे पाएगा। इसका जो सडन पिकअप है जब आप लगाते हैं इसको स्पोर्ट्स मोड में, उसके बाद तो ये रॉकेट बन जाता है, आप जैसे एक्सेलेरेटर देते हैं वैसे भागता है, प्लस नो साउंड, आप तो इसका कोई तोड़ नहीं है, और ये बहुत जोर बिक रहा है S1 Pro। और आइए इसका मोटर का बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 5.5 किलोवाट का मोटर मिलता है, पीक पावर जो मोटर का होगा 8.5 किलोवाट जब आप डालेंगे इसको पीक मोड में, और साथ ही टॉर्क जो प्रोड्यूस करता है इसका जो मोटर है वो है 58 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो बहुत ही ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं फ्रंट से आपको क्या क्या चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि एक मॉडर्न जनरेशन का स्कूटर है। इसका जो डिज़ाइन है ये फॉरेन डिज़ाइन का सेगमेंट में आता है, ऑल्दो ये मॉडल जो है ये बनता है इंडिया में, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ये आपको फॉरेन डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। जो स्कूटर है ये स्कूटर एक स्टार्टअप था, नीदरलैंड में एक कंपनी है, वो अपना स्टार्टअप किया था और उस कंपनी को ओला ने एक्वायर कर लिया और फुल कंपनी को लेके आया है, डायरेक्ट तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इसका जो प्लांट है। और ट्रस्ट मी, इस जो तमिलनाडु वाला जो प्लांट बन रहा है ओला का, वो फुल कॉपी है टेस्ला प्लांट का, और इसका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ओला का वो भी फुल कॉपी करता है टेस्ला का। तो मतलब एक इंडियन टेस्ला में आपको देखने को मिलता है ओला, साथ ही ओला सिर्फ टू व्हीलर नहीं बना रहा, फ्यूचर में भी आपको फोर व्हीलर भी देखने को मिलेगा। तो अब धीरे धीरे ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये आपको टेस्ला वाला जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो आपको देखने को मिलता है, और ट्रस्ट मी ये कंपनी बहुत आगे जाने वाला है। और प्लस इसमें जो फीचर्स दिया है, अपडेट भी फीचर्स आएगा, सिर्फ आपको ये फीचर्स नहीं मिलेगा, आने वाला दिन में आपको बहुत सारा फीचर्स भी देखने को मिलेगा। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो एक रोबोटिक डिज़ाइन आपको फ्रंट में देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये दो आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, एक है लो बीन के लिए और एक है हाई बीन के लिए, और ये DRL, और इसका लाइट थ्रो कोई और स्कूटर में ऐसा लाइट थ्रो आपको नहीं मिलता, रात को एक्सेलेंट लाइट थ्रो मिलता है, और ये छोटा सा लगता है लेकिन लाइट थ्रो आपको बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि प्रोजेक्टर रखा गया है, थोड़ा देर बाद अपने आप बंद हो जाएगा ये लाइट और गाड़ी भी बंद हो जाएगा, ये सिस्टम किया गया है। ये आपको फुल्ली फाइबर मिलता है, ये आपको भी यहाँ पे भी फाइबर का बॉडी के साथ मिलता है, और बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, यहाँ ओला का लोगो मिलेगा, नंबर प्लेट का इस तरह का मिलेगा, ये हरा नंबर प्लेट मिलेगा क्योंकि ये है इलेक्ट्रिक। अब इंडिकेटर का बात कर लेते हैं, तो ये आप देख रहे हैं इंडिकेटर, और यहाँ से जलता है, आवाज़ भी करेगा, देखिए ये इंडिकेटर ऑन कर दिया, फुल्ली LED इंडिकेटर है और बहुत ही ब्राइट अप होता है, इस तरह का देखने को मिलता है, और यहाँ आवाज़ करता है। स्पीकर यहाँ दिया गया है, यहाँ एक स्पीकर और यहाँ एक स्पीकर, ये चार्जिंग सॉकेट, तो पहले बंद कर देते हैं। अब टायर साइज़ का बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MRF के टायर, 12 इंच का टायर के साथ अलॉय व्हील मिलेगा, और डिस्क ब्रेक
दिया गया है, आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। अब शॉकर का बात कर लेते हो तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक शॉकर मिलेगा सिंगल बोन्ड के साथ, और बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्क ब्रेक का दिया गया है, तो एक बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है और एक मॉडर्न जनरेशन स्कूटर का लग रहा है। साथ ही यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ आपको आर्म मिलता है कंट्रोल करने के लिए, और थोड़ा शेकीनेस है क्योंकि एक ही शॉकर आपको देखने को मिलता है हाइड्रोलिक में, तो इसलिए थोड़ा हैंडल आपका थोड़ा कांपता है अगर आप स्पीड चलाते हैं। पीछे का बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। हम अभी ड्राइव कर रहे हैं, हम आपको और एक फीचर के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये है स्पोर्ट्स मोड में लगा और ये गाड़ी हम चला रहे हैं, तो जैसे ही हम ब्रेक दबाएंगे, ये जो आप ब्रेक लीवर है हम इसको दबाए और एक्सेलेटर दिए, देखिए ब्रेक दबा रहे और एक्सेलेटर दे रहे, गाड़ी स्लो हो जा रहा, तो जैसे ही हम आपका ब्रेक दबाएंगे ना तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आप ब्रेक दबा के जैसे मोड़ते थे टर्निंग वर्निंग काटते थे तो वो चीज़ नहीं होगा। ये एक अच्छा फीचर भी है और एक बुरा फीचर भी है, क्योंकि एक्सीडेंट इससे ज़्यादा होता था, ब्रेक दबा देते थे और एक्सेलेटर दे देते थे, गाड़ी टान के ले जाता था। तो एक ऐसा फीचर है जैसे आप ब्रेक दबाए भाग नहीं रहा, अब एक्सेलेटर पूरा दिए हुए, अब जैसे ब्रेक छोड़ेंगे देखिए भाग जाएगा, भागने लगेगा, तो ऐसा देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं बैक प्रोफाइल का, तो बैक में आपको देखने को मिलता है फुल्ली LED सेटअप दिया रखा गया इस गाड़ी में S1 Pro में, और यहाँ पे आपको टेल लैम्प मिलता है जो ज़्यादा ब्राइट अप नहीं होता दिन का टाइम में, और जैसे ही आप ब्रेक मारेंगे तो और ज़्यादा ब्राइट अप हो जाएगा। हम आपको दिखाते हैं कैसे ब्रेक मार के, ये देखिए, तो इस तरह का ब्राइट अप मिलेगा। ये इंडिकेटर्स यहाँ पे दिया गया है LED के साथ, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का दिया गया है, हरा नंबर प्लेट मिलेगा, रिफ्लेक्टर यहाँ पे, और ये आप टायर साइज देख रहे हैं, ये भी 12 इंच का टायर मिलता है विद डिस्क ब्रेक के साथ। ब्रेकिंग इज एक्सेलेंट और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपको दिया गया है। अब जो सब कोई पूछता है वो है कंफर्टेबल कितना है गाड़ी, तो अब बात कर लेते हैं सीट का, और सीट को देखिए आप कितना चौड़ा है ये सीट, और कंफर्टेबली दो जन आराम से बैठ सकते हैं, और ये जो चौड़ापन है ये बहुत ही अच्छा है, इस सीट को और अच्छा कुशनिंग देता है। कुशनिंग का बात कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा कुशनिंग है यहाँ पे इस तरह का, और इस तरह का देखने को मिलता है सीट। अब सीट खोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रंक, ओला बोलता है, और ट्रंक को खोलने के लिए ये हर एक मिनट में गाड़ी बंद हो जाता है, तो इसको फिर ऑन करना पड़ता है यहाँ से, और ये पासवर्ड मारो क्योंकि ये कीलेस है, 25 ऐसे करके पासवर्ड मार दिए, सॉरी रॉन्ग पासवर्ड, यहाँ अटेम्प्ट भी दिया गया है, अब मारते हैं सही पासवर्ड, अब ये ऑन हो गया, इस तरह का देखने मिलेगा ऑन हो गया, वेलकम लिखा दिखा रहा। अब देखा बता, ये इसको खोलते हैं ट्रंक, ऐसे दबाए ट्रंक ओपन, तो इस तरह का देखने मिलता है ट्रंक। ये है अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस देने वाला, 36 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और बहुत ही ज़्यादा है, इस तरह का देखने को मिलता है। फिट फिनिश ओके ओके है, प्रीमियम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, प्रीमियम आपको फिट फिनिश मिलता है। और ये जो है चार्जर, चार्जर आपको दिखा देते हैं, बहुत ही हैवी है और इस तरह का देखने को मिलता है चार्जर, ऐसे है चार्जर। ये है इसका पीछे वाला चीज़, ये यहाँ पे लगेगा, और इसका ये वाला माउंट जो आपका घर का प्लग पॉइंट में लगेगा, और आराम से 6 घंटा में फुल चार्ज हो जाएगा, 180 किलोमीटर्स आराम से चल जाएगा ये गाड़ी फुल चार्ज होने के बाद। अगर आप नॉर्मल मोड में चलाते हैं, स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे तो वो हो सके 140 किलोमीटर जाएगा, लेकिन ये गाड़ी बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही अच्छा भागता है, हम फैन हो गए टू व्हीलर में इसका। अब बात कर लेते हैं इसका जो प्राइसिंग है ये कितना पड़ेगा, ये आपको पड़ जाएगा 1,50,000 ऑन रोड का बात कर ले रहे, ऑन रोड आपको जमशेदपुर में अगर आप इसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्योंकि मैं आया हूँ उड़ीसा तो आपको ये OD नंबर का देखने को मिलता है, लेकिन हम बात करते हैं हमेशा जमशेदपुर का क्योंकि मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जमशेदपुर का रेट बताऊँगा। तो ये आपको पड़ जाएगा 1,50,000, और आपको बुक करना कैसे है, आपको ओला ऐप में जाना है और वहाँ पे आपको बुक करना है गाड़ी, वहाँ आपको 500 रुपीज़ दे के पहला बार में बुक करना है, फिर आपका सीरियल नंबर आएगा जैसे लॉट नंबर, वो आपको वहाँ पे आपका पोर्टल खुलेगा, आपको बताएगा, मैसेज आएगा, कॉल आएगा कि आपको और 20,000 या 30,000 रुपीज़ देना है। उसके बाद फिर 6 महीना 8 महीना बाद आपको बोलेगा कि पेमेंट करो, गाड़ी आपका विद इन 10-15 दिन में आपके पास डिलीवरी हो रहा है, और इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन अभी से स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस तरह का आपको देखने मिलता है पेमेंट मोड, इसका ना कोई शोरूम है ना कुछ नहीं, ये आपको सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगा और कंटेनर आके आपका घर में प्रोवाइड दे के जाएगा, इस तरह का देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं फ्लोर बोर्ड एरिया का, तो इस तरह का देखने को मिलता है फ्लोर बोर्ड एरिया,
बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि कम है। इंडियन स्कूटी से अगर कंपेयर करते, जैसे एक्टिवा हो गया, एक्सेस हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा बिकता है, तो इससे हम अगर कंपेयर करते हैं तो उसका भी फ्लोरबोर्ड एरिया इतना ही मिलता है, लेकिन उसमें आपको ये हम्प नहीं मिलेगा। और साथ ही आप उसमें सिलेंडर, कैन, बहुत कुछ सामान रख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा दिक्कत होगा सिलेंडर रखने में, कैन रखने में, क्योंकि इसका फ्लोरबोर्ड एरिया इस तरह का डिज़ाइन किया गया है क्योंकि आप अपने लेग रख सकते हैं या कुछ सामान आप रख सकते हैं, छोटा मोटा हल्का चीज़, लेकिन प्रैक्टिकल के हिसाब से बहुत ही अच्छा मिलेगा। साइड स्टैंड आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, और साइड स्टैंड में भी बहुत सारा सेंसर लगाया गया है, जैसे आप साइड स्टैंड गिरा देंगे गाड़ी पार्क मोड में चल जाएगा, ऑन नहीं होगा, ये सब फंक्शन देखने को मिलता है। इस साइड प्रोफाइल का बात करें तो इस तरह का देखने को मिलता है साइड प्रोफाइल। यहाँ शॉकर, ये है फाइबर फिनिशिंग, ये है मेटल फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे भी आपको मोटर दिया गया है पीछे का चक्का घुमाने के लिए, यहाँ पे आपको फिनिशिंग मिलता है फाइबर का प्रोटेक्शन के साथ। स्पीकर्स आपको दो मिल जाएगा, यहाँ आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गाड़ी में गाना सुन सकते हैं। यहाँ एक स्पीकर है और यहाँ एक स्पीकर है, हम आपको आवाज़ नहीं सुना सकते क्योंकि वो अपडेट अभी तक आया नहीं है स्पीकर का। ये हुक मिल जाएगा यहाँ पे, और ये चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है। बेल्ट क्वालिटी का बात कर लेते हैं तो डिसेंट बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई ऐसा ख़राब प्लास्टिक नहीं दिया गया। अब आते हैं मेन में, जो सबको ही जानना चाहता है, ये है इसका कंट्रोल, और ये यहीं से गाड़ी सबसे ज़्यादा हिट हुआ। तो यहाँ बता देते हैं कि ये कैसा है, ऑन उतर क्या है। अभी देखिए गाड़ी लॉक है क्योंकि इसमें कोई फिज़िकल की नहीं देखने को मिलता है, ना यहाँ स्लॉट दिया गया फिज़िकल की का, सिर्फ ये एक होल्डर दिया गया है, यहाँ पे फ़ोन वोन रख सकते हैं आप। तो अब ऑन करते हैं इसको, तो ये बटन दबाएंगे एक बार, ये ऑन हो गया, ऑनवर्ड स्क्रीन इसका ऑन हुआ। यहाँ आपको पासवर्ड मानना पड़ेगा, सॉरी यहाँ अब रॉन्ग पासवर्ड हो गया, आपको अटेम्प्ट भी देखने को मिलता है, तो सही पासवर्ड मारते हैं, ये ऑन हो गया, जैसे क्लिक क्लिक करके आवाज़ दिया और ये ऑन हो गया। तो ये आपका देखने को मिलता है यूआई डिस्प्ले, और ये टच स्क्रीन है। हम आप यहाँ आएंगे पहले, बाद में यहाँ पहले आते हैं। यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स देखने को मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं लाइट ऑन ऑफ, पार्किंग का जैसे ऑन करेंगे DRL, उसके बाद साथ ही हेडलैम्प, तो इस तरह का देखने को मिलेगा, ये ऑन हो गया, और ये हाई बीम के लिए है, तो ये ऑन हो गया। अब बता देते हैं इंडिकेटर्स का, तो ये इंडिकेटर इधर का, और ये इस तरह का इंडिकेटर। यहाँ पे हो गया आपको क्रूज कंट्रोल, ये हो गया रिवर्स के लिए, इसको ऐसे करके दबाएंगे। ये साइड स्टैंड गिरा हुआ है इसलिए रिवर्स मोड नहीं लगेगा, रिवर्स मोड इसको लगा देंगे और ऐसे करके इस तरफ थोड़ा सा प्रेस कर मोड़ेंगे, आराम से गाड़ी धीरे धीरे पीछे चल जाएगा। यहाँ पे हॉर्न, डिसेंट हॉर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे दिया गया है मोड के कंट्रोल का स्विच, यहाँ से मोड दबाएंगे, यहाँ भी फिर से वो नहीं होगा, साइड स्टैंड गिरा हुआ है, आपको साइड स्टैंड हटा के दिखाते हैं आपको, तो ऐसे दिखाए अटिया। अब राइडिंग मोड डालने के लिए बस ये हो गया स्टार्ट, अब यहाँ डालेंगे नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड। अभी ये दो मोड ही दिया गया है, हाइपर मोड अभी तक आया नहीं है, अपडेट के बाद आएगा। फिर ये म्यूज़िक सिस्टम के लिए वॉल्यूम, यहाँ देखिए वॉल्यूम का आ गया, और ये पॉज, गाना पॉज कर सकते हैं यहाँ पे, ये दिखा रहा है कमिंग सून, ये सब अपडेट के बाद आएगा, अभी तक आया नहीं है। लुकिंग ग्लास आपको ऐसे देखने को मिलता है, और अब जाते इस तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको आ जाता है फंक्शन, खाते ये 54% बैटरी है, हम लेके आए थे 61% में, तो इस तरह देखने को मिलता है। आज का डिस्टेंस कितना किया है, 15 किलोमीटर हम ट्रैवल किए हैं, मेरा एवरेज स्पीड है, सॉरी वहाँ चल गया, मेरा एवरेज स्पीड है 55 किलोमीटर पर आर, टॉप स्पीड हम 79 लेके गए थे, हाँ ये सच है। और ये फिर कस्टमर सपोर्ट के लिए ऐसे कॉल करना पड़ेगा, हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है, धूला देख सकते हैं कैसे उड़ रहा है, इसके लिए हवा के लिए सॉरी। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले का, तो यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले सेटिंग, डे मोड, नाइट मोड, अपने आप नहीं लेगा, आपको सेट करना पड़ेगा। फिर पासवर्ड के लिए अबाउट, इसे अबाउट में गए, तो यहाँ टोटल कितना किलोमीटर ट्रैवल किए हैं, ये सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, ब्लूटूथ, ये वाईफाई एड्रेस, क्योंकि इसके अंदर वाईफाई इनेबल है, जब आप इसको सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो जैसे आप इसको दबाते हैं, ये देखिए योर स्कूटी इज़ अप टू डेटेड, तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, तो इसमें फिर और नया नया फंक्शंस आएगा और वो खुलेगा भी, तो ये सब देखने को मिलता है। फ्यूचर में भी बहुत सारा फंक्शंस देखने को मिलता है, क्रूज़ कंट्रोल आ जाएगा, फिर साथ ही इसमें आपको लाइव ट्रैकिंग है क्योंकि इसमें देखने को मिलता है GPRS, ये सब मोड आपको देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। ये अबाउट में गए तो फिर ये कई स्पीड सेटिंग आ गया, जैसे आप मोड़ेंगे नॉर्मल मोड में ये चलने लग गया और इसे रुक जाएगा। अब दिखाते हैं और क्या क्या फंक्शन देखने को मिलता है, ये सेटिंग ऑल सेटिंग्स में ये सब आपको दिखा दिए, ब्लूटूथ का सेटिंग ये आप देख रहे हैं, ये भी कमिंग सून दिखा रहा है ब्लूटूथ।
ओवरऑल इस तरह का देखने को मिलता है। और उतना ज़्यादा तामझाम नहीं दिया गया, लेकिन हाँ है, आप अगर 1.5 लाख रुपया दे रहे हो, 1.5 लाख, तो आपको मिलेगा भी वैसे वैसा चीज़। ऐसा नहीं है कि ख़राब कुछ दे दिया, ऐसे बस टच स्क्रीन टाइप का दे दिया और चलाओ, नहीं, आपको देखने को मिलेगा भी ऐसा वैसा चीज़। साथ ही हिल्ट होल्ड कंट्रोल भी आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। ये था आपका इस सिस्टम का कंट्रोल। और देखिए ये भी बिल्ड क्वालिटी इज़ एक्सेलेंट, नो डाउट। अब साइड स्टैंड गिरा देते तो ये पार्क मोड में चल जाएगा ऑटोमेटिकली। ये था मेरा ओला S1 Pro का रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।